सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल अंकिता श्रुत रिएक्शन। यहाँ पे हम आपके फेवरेट ब्लॉगर्स और ट्रेंडिंग कॉन्ट्रोवर्सीज के रिएक्शन लेकर आते रहते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना, साथ के साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे हर आने वाले रिएक्शन वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। कंट्रोवर्सी चल रही है, आप जानते हैं कि दो लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही है, पर कंट्रोवर्सी को कहीं और मोड़ने की कोशिश की जा रही है और इस कंट्रोवर्सी में निक्कू को फंसाया जा रहा है। और निक्कू ने साफ साफ ये ऐलान कर दिया है कि मुझे इस कॉन्ट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है और आप लोग प्लीज इस कॉन्ट्रोवर्सी में मुझे मत घसीटना। जिन लोगों ने अभी तक निक्कू की कम्युनिटी नहीं पढ़ी है, अब प्लीज जाके वहां पे पढ़ना और मैं आप लोगों को पढ़ के भी उसकी कम्युनिटी सुना देती हूँ कि यहाँ पे इस वक्त आप सब जानते हैं कि निक्कू सुमित अपने गांव गए हुए हैं और उनके लिए बहुत ही बड़ा दिन चल रहा है। उनकी फैमिली में उनके मम्मी पापा का बरसों का सपना पूरा हो गया है, उनके गाँव में उनकी एक जमीन हो गई है बड़ा सा घर बनाने के लिए और इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा खुश है, एक्साइटेड है और गांव गए हुए हैं और वहां पे भी उन लोगों को चैन और सुकून नहीं है और उन लोगों को मजबूरन कम्युनिटी वगैरह डालना पड़ता है लोगों को अपडेट करने के लिए, अपनी ऑडियंस को अपडेट करने के लिए। और ये कम्युनिटी मैं आप लोगों को पढ़ के यहाँ पे सुनाना चाहती हूँ जो निक्कू ने अपने चैनल पे डाला है। हेलो एवरीवन, कुछ लोग जानबूझ के मुझे कंट्रोवर्सी के बीच में लेके आ रहे हैं गलत तरीके में। आप सबको बता दूं मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो कृपया करके मुझे इन सब से दूर रखें और हमारे परिवार के लिए इस समय बहुत बड़ा दिन है तो हम लोगों को उसमें खुश रहने दे। एक चीज और, मैं अपनी लड़ाई अकेले लड़ती थी पहले भी और आगे भी लड़ूंगी, तो किसी के साथ भी मेरे नाम को लिंक ना किया जाए। तो आप सब समझ रहे हैं कि किसके साथ इनके नाम को लिंक किया जा रहा है। और यहाँ पे किसी सब्सक्राइबर का कॉमेंट भी निक्कू ने पिन करा है, शनि का साल है, धैर्य रखें, सबको अपने कर्मों का हिसाब मिलेगा, दूध अलग और पानी अलग होगा, माता पिता से बढ़कर कोई नहीं, धैर्य के साथ उत्तम कार्य करते रहिए, ऊपर वाला बैठा सब इंसाफ करेगा। तो देखो ये चीज तो मैं भी मानती हूँ कि समय सबका आता है, अगर सच कोई है सच्चा तो एक टाइम ऐसा आता है, कहते हैं ना कि सच परेशान हो सकता है पर सच कभी पराजित नहीं होता। तो सच जो भी होता है, जो भी सच्चा है, जो भी झूठा है, वो झूठ भी सामने आता है, वो सच भी सामने निकल कर आता है। एक ऐसा टाइम था जहां पे निक्कू को भर भर के गालियां पड़ती थी, शायद इसलिए कि निक्कू और उनके साथ के जो भी उनके माता पिता थे वो आके क्लियर नहीं कर पाए थे अपनी बातों को, है ना। लेकिन जैसे ही सारी बातें टाइम के साथ में लोग देखते गए देखते गए, लोगों को बहुत सारी बातें समझ में आने लगी, कौन कैसा है, कौन किस इंटेंशन से बोल रहा है, बातों में कौन माहिर है, कौन अपने बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ऑडियंस धीरे धीरे सब कुछ समझने लगी और धीरे धीरे जेठानी जी के तरफ जो ऑडियंस पहले झुकी हुई थी कि ऑडियंस को लगता था कि नहीं नहीं ये सही है, जस्ट बिकॉज की आके सामने बोल दिया तो ये सही है, वो ऑडियंस भी धीरे धीरे अब समझ चुकी है कि हाँ गलतियां कहाँ पर है। मैं ये नहीं कहती कि देखो दोनों में से, मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि हाँ दोनों की किसी एक की गलती है किसी एक की गलती नहीं है, मैं ये कभी नहीं कहूंगी क्योंकि गलती दोनों की हो सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज के जमाने में सारा गलती किसी एक इंसान का होगा और किसी एक का नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं देखती हूँ कि देवरानी का मुझे सिर्फ 10% गलती समझ में आता है, 90% मुझे जेठानी जी की गलतियां दिखती हैं, इसीलिए मैं बार बार जेठानी जी को टोकती हूँ। और कुछ लोग बोलते हैं कि तुम वन साइडेड रिएक्शन देती हो, तो देखो जब जिस टाइम पे गलत जो लगेगा उसके लिए तो हम रिएक्शन भैया यहाँ पर देंगे ही देंगे। और उधर अलका ने भी एक कम्युनिटी डाला है कि मेरे से पैर पकड़ के माफी मांगी गई है। अब देखो इतने टाइम से सवालों के जवाब नहीं दे पा रही थी जेठानी जी, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि पैर पकड़ के माफी मांगी गई है कम्युनिटी, ऐसा अलका ने डाला है और पूरे लोगों ने देख लिया, मुझे लगता है सारे दुनिया ने देखा, जितने भी यू नो सोशल मीडिया पे इनके फॉलोअर सब्सक्राइबर्स हैं सबने जाके देखा, अलका ने बोला कि मुझसे माफी मांगी गई है और चीजों को और आगे ना बढ़ाने की बात की गई है। तो देखो जो जहां पर गलत है उस इंसान ने उससे माफी मांग ली कि हाँ मेरी बातों को और तुम मत फैलाओ, क्योंकि शायद अलका के पास कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं जिसकी वजह से जेठानी जी गलत प्रूफ हो सकती हैं। तो उनके पास दो तीन दिन उन्होंने देखा, इग्नोर करा, नेगेटिविटी और बढ़ती जा रही थी, फिर जेठानी जी को लगा होगा कि मेरे पास अलका से माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है,
तो शायद जेठानी जी इसलिए अलका से माफी मांग ली है। तो इग्नोर करते हैं चीजों को और यहाँ पे निकी के लिए कुछ पॉजिटिव कॉमेंट्स हमने देखा, जो कि आपने जितनी सहन शक्ति दिखाई है वो बहुत ही हिम्मत की बात है, बस हम यही चाहते हैं आपको भगवान सब कुछ सहने की शक्ति दे। तो देखो निक्की ने काफी कम उम्र में बहुत सारी चीजें देख ली हैं, अब मैं कहूंगी कि मिसकैरेज भी देखा, पारिवारिक टेंशन तो हर जगह होता ही है ना, तो पारिवारिक टेंशन भी देखा और बहुत सारी चीजें उसने बहुत से कम उम्र में देखे हैं, और परिवार को साथ लेकर के चलने की जो उसकी भावना है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये सब यू नो अपने माँ बाप के संस्कार होते हैं, जैसे निक्की के घर में निक्की की मम्मी ने भी अपने सास ससुर को साथ में रखा है, वहां पे हमने देखा कि सास ससुर बुआ मतलब हर एक रिश्ता जो होता है वो साथ है निक्की के मम्मी के। तो काफी अच्छा लगता है कि जो बच्चे बचपन से जो चीजें देख के बड़े होते हैं ना, जिस तरीके से उनकी परवरिश की जाती है वही संस्कार वो अपने ससुराल में जाके दिखाते हैं। कहीं ना कहीं मैं इस बात से बहुत ज्यादा सहमत रहती हूँ कि जो हम अपने घर परिवार में देखते हैं ना वही हम दूसरे के घर में भी जाके करते हैं, और काफी ज्यादा मैंने देखा है ये सारी चीजें निक्की के घर में, काफी अच्छे से माहौल है। यू नो कहते हैं कि बड़े जात से कोई बड़ा नहीं बनता, आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए उससे आप बड़े होते हो। तो देखो जात भी बड़ा सोच भी बड़ी, तो ये चीजें कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है मेरे। डियर अगर ऐसा है तो अपने सास ससुर को बताओ कि कैसे अलका कुछ प्राइवेट बातों के लिए कामिनी और उनके पति को ब्लैकमेल कर रही है, अगर उन तीनों को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। भाई इसमें निक्की का क्या रोल है, आप जिस तरीके कमेंट कर रहे हो निक्की ने साफ सुथरा अपना डिनाई कर दिया, अपना पल्ला छुड़ा लिया कि मेरा इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। अब कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा है, कौन किसको क्या कर रहा है, इसे बहुत सारी दुआएं मिली हैं, बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस मिले हैं निकू सुमित को उनके यू नो प्रॉपर्टी वगैरह के लिए, और सारी चीजें जो भी सामने आ रही है। देखो बहुत चीजें बुरी है, मैं किसी एक के दुश्मन में नहीं हूँ, वो कुछ लोग बोलेंगे कि तुम तो एक के पीछे पड़ी हो, मैं किसी एक के पीछे नहीं पड़ी हूँ, लेकिन ऐसा होता है ना कि जब सामने वाला तुमको प्रोवोक करता है, सामने वाला तुम्हें धमकियां दिलवाता है देता है, चैनल उड़ाने की बात करता है, लीगल नोटिस भिजवा देता है, तो इंसान के अंदर चीजें और भड़क उठती है कि तुम अगर ऐसी चीजें कर रही हो तो तुम वाकई में गलत हो, अपने घर के अंदर भी तुम गलत होगी, क्योंकि जब तुमको किसी दूसरे का कुछ भी बोलना बर्दाश्त नहीं हुआ सोशल मीडिया पे, तो मैं ये कैसे मान लू कि तुम अपने घर पे चीजें बर्दाश्त करती होगी, है ना। बस इस चीज के लिए चीजें उड़ जाती है। इधर हमने देखा जेठानी जी का कम्युनिटी, पता नहीं क्यों आज मन बहुत उदास है, बच्चे के साथ इन्होंने फोटो डाला है ताकि ऑडियंस कोई भी नेगेटिव कमेंट ना कर पाए, इनको कुछ ना बोल पाए, शायद इसीलिए इन्होंने बच्चे के साथ में फोटो डाल रखा है। यहाँ पे काफी ज्यादा दिमाग लगाती है जेठानी जी। तो अभी तो फिलहाल देखो चीजें इतनी है और शायद ये कॉन्ट्रोवर्सी रुक जाए, क्योंकि चीजों को लेके माफी मांग लिया गया है और शायद ये चीजें आगे ना बढ़े, हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी के घर में कॉन्ट्रोवर्सी हो, किसी के रोजी रोटी पर वार हो, है ना। मैं भी नहीं चाहूंगी कि मैं किसी का चैनल उड़ाऊं या किसी का चैनल खत्म हो जाए या किसी की रोजी रोटी खत्म हो जाए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं पहले कभी किसी के साथ गलत नहीं करती अनटिल एंड अनलेस सामने वाला आके मेरे साथ गलत करता है, तो मेरा कुछ ऐसा सिद्धांत रहता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना।